करती है। तो जनाब मैं ये बात कह रहा था, हम ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारे तजर्बे किए जब हम एजुकेशन में आए। हम चौथी बात आपकी नहीं मेरे पास, और फिर मैं इसके साथ दोबारा फिर आ जाए। मतलब हम अपनी शनाख्त की तलाश में थे कि हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए जो नंबर वन यूनिक हो, नंबर टू बेस्ट हो। इसके लिए हमने पहले कॉलेज बनाया, फिर हमने अंडर ग्रेड प्रोग्राम शुरू कर दिए, फिर हमने लड़कियों का कॉलेज बनाया, फिर फैसलाबाद में कॉलेज बनाया, फिर हम स्कूल बनाने पे चले गए, फिर हमने प्राइमरी स्कूल ले लिया, फिर हम एक्टिव की तरफ चले गए, फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरफ चले गए। तो ये मैं कहता हूँ कि ये सब हमारे तजर्बे हैं और हमने कोई गलत काम नहीं किया। वी आर लर्निंग टू फाइंड एन आइडेंटिटी, अ निश, क्योंकि खुबत किया जो हमने फैसला हमारे बोर्ड के दोस्तों ने हमने सब में किया था कि काम ऐसा करना है जो कोई और नहीं कर रहा और वो बेस्ट करना है। कर्ज हसन पर भी हमने इसलिए 2003 में शुरू किया था कि कोई और नहीं कर रहा जैसा यूनिक। तो बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देख लीजिए कि उसकी रिकवरी के हवाले से, उसकी बाकी चीज़ों के हवाले से वो बड़ी हद तक वो काम दुरुस्त है। अच्छा, एजुकेशन में फिर हमने ये 5-6 चीज़ें देखी कि तो अब हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में थोड़ा सा एग्जामिन करें इन चीज़ों को और एक निश ढूंढें और उस निश पे काम करें। क्या हमें यूनिवर्सिटी बनना है, क्या हमें सिर्फ कॉलेज बनना है, क्या हमें स्कूल खोलने हैं, क्या हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनना है, या हमें वैसे चंद चीज़ों को मुंतखब करना है। तो आपके तजर्बे से, आपकी विजडम से गेटिंग बेनिफिट कीजिए। मेरी तरफ से सवाल है, आप हमें इसका जवाब देंगे, हमें इसकी सर्च में रहनुमाई करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता। तो 4 चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ जो आप जहन में रखेंगे, सबसे पहले मैनेजेरियल कैपेसिटी एंड लीडरशिप। क्या हमारे पास इतने लीडर्स और मैनेजर्स मौजूद हैं कि जो इतने 6-7 जो हैं इनिशिएटिव्स को चला लें, क्योंकि हमें बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है कि माइक्रो फाइनेंस में अनपढ़ लोगों ने वो प्रोग्राम चला दिया, लेकिन हमारे के लोगों ने जो मैनेजेरियल सतह पर भी पढ़े लिखे थे और फैकल्टी में भी थे, वो उतना अच्छा प्रोग्राम नहीं बना सके। तो मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं तो खुद तस्लीम कर रहा हूँ कि शायद हमने उनको ट्रेन नहीं किया, विजन ट्रांसफ़र नहीं की, सिलेक्शन दुरुस्त नहीं की। तो मैनेजेरियल एंड लीडरशिप क्या हमारे पास इतनी है कि स्कूल का एक लीडरशिप चाहिए, कॉलेज की लीडरशिप चाहिए, यूनिवर्सिटी की लीडरशिप चाहिए, एक्टिव की लीडरशिप चाहिए, फिर बाकी जो हमारे HODs की लीडरशिप चाहिए। तो ये एक हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतने लोग हैं जो इस काम को इंडिपेंडेंटली कर सकें। दूसरा मैंने ऐसा किया था कि क्या हमारी प्रोड्यूस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है या नहीं। अगर हम सारे काम कर रहे हैं और कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है तो क्या फ़ायदा, उससे कहीं बेहतर है एक काम कर लें अगर उसमें हम बेस्ट हो जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में कम अज़ कम एक पहचान तो हमारी होनी चाहिए कि जी ये काम किया है हुकूमत ने और इस जैसा और कोई नहीं, और इस जैसा और कोई नहीं। तो ये हमें देखना है कि हमारी प्रोड्यूस क्या निकल रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और तीसरी ये है कि हमें अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखना है कि हम क्या इतने बहुत सारे काम इतने थोड़े पैसों में कर सकते हैं। ये है कि विद द बेस्ट ऑफ टाइम हमारी फंड्स अपील बढ़ेगी, कम होगी, इतनी ही रहेगी, तो क्या हम इतने काम कर सकेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि ये काम अगर हम फाइनेंशियल की भी अपनी अहमियत है, क्योंकि इससे ही अच्छा मैनेजेरियल स्टफ लिंक्ड है, इससे ही अच्छी क्वालिटी ये लिंक्ड है। तो चौथी चीज़ डॉक्टर साहब यही थी कि सस्टेनेबिलिटी, हमको ऐसा सस्टेनेबल निज़ाम बनाएं कि हर साल हमें पैसे लेने पड़ने, उसकी बजाय हम कहें कि जी हमारे पास कोई बहुत बड़ा एंडोमेंट फंड हम क्रिएट कर सकें। तो मैंने बात की थी प्रोड्यूस की, उसके अंदर ही चीज़ एक और भी है, क्वालिटी इंश्योरेंस। वो हमारा इंटरनल है कि हम क्या क्वालिटी बेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके नतीजे में जो हम सोसाइटी को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि हम कह सकें कि ये मेरा बच्चा है। अब वो नर्जिस लड़की आपने शायद ही देखी, आपने तो देखी, वो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करती, इतनी अच्छी तकरीर करती, इंग्लिश में उसने ऐसी बात की, तकरीर की एवरी बॉड। और वो बीए करके अखुबत कॉलेज अकवाल से निकली और एक्सो नोबल में डायरेक्टरी उन्होंने उसको हायर कर लिया। उसको 4 जगहों से, उसको नेस्ले से भी ऑफर हुई,
उसको और उसको बैंक इस्लामी से दिया। अब वहाँ पर हमारी सारी की सारी बच्चियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब उनको मिल गया। तो ये क्वालिटी इंश्योरेंस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गिफ्ट टू द कम्युनिटी, जो वैल्यू भी हो उसके पास, सिर्फ तालीम ना हो, मल्टी नेशनल में क्यों जाए वो, कोई अपना काम क्यों नहीं करेगा। ये डॉक्टर साहब का बड़ा अहम पॉइंट है कि हम जॉब सीकर्स को क्रिएट करें। तो ये चार पांच चीज़ों को सामने रखते हुए जी कि मैनेजेरियल लीडरशिप एंड लीडरशिप एंड मैनेजर गुड मैनेजमेंट, फिर हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस एंड द प्रोडक्ट, फिर हमारी एवरेजियल फाइनेंशियल जो है वो, और चौथी चीज़ यह कि सस्टेनेबिलिटी। तो ये चीज़ें सर, इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए और उसके मुताबिक जैसे मैंने पहले अर्ज किया डॉक्टर साहब, इसको हम 45 मिनट्स टू एन आवर तक रखेंगे। सही। उसके बाद फिर आपकी भी एक पंचायत की मीटिंग है, वो आप अपनी अलग कीजिए। सही। ठीक है, वो आपने वो जो आपके करंट इश्यूज जो चल रहे हैं उसके बाद। तो ये मेरी दरख्वास्त था आपसे, और इसका जो स्कीम ऑफ थिंग्स हमने ये रखी है कि आज सिर्फ ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हल्की सी, डॉक्टर साहब मोस्टली अपने आइडियाज देंगे, बाकी हम सब लोग उसको नोट करें सोचें। फिर हमका जो स्कीम ऑफ थिंग्स हमने ये रखी है कि आज सिर्फ ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हल्की सी, डॉक्टर साहब मोस्टली अपने आइडियाज देंगे, बाकी हम सब लोग उसको नोट करें सोचें। फिर हम इसको मीटिंग्स को महीने बाद दोबारा करनी है, उस दौरान को होमवर्क करना है, और चीज़ें करनी है। तो फिर आपकी जो राय है वो हम अपने बोर्ड में भी ले जाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो मुझे असल में यहाँ ये महसूस हुआ कि डॉक्टर साहब का तो एक बहुत क्लियर विजन है व्हाट ही वांट्स, मगर ये शेयर्ड नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। और इसलिए मेरा मकसद इस मीटिंग से ये था कि जो सा जो जो सीनियर मैन वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वी शुड ऑल बी ऑन द सेम पेज। और अगर हमारे पास सामने एक कॉमन विजन होगा जिसके लिए हम सब साथ काम कर रहे हैं, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर सक्सेशन। यानी अगर उनका विजन उन्हीं के पास रहा और हम लोग, और ये विजन यूनिक है, ये बात समझने की है कि यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में इस विजन के तहत काम नहीं किया जा रहा है। तो वो विजन इनके साथ रहा तो फिर इन्हीं के साथ चला जाएगा दुनिया से, और जब तक उसको हम सब यानी एक बाई इन होती है, अगर इंस्टीट्यूशनल चेंज है तो उसमें सबसे पहले बाई तो उसमें सबसे पहले बाई इन होती है। अगर हम लोग बाई करेंगे कि हाँ ठीक है ये है, इसको हम लोग अपना अडॉप्ट करें, इसी पे चलेंगे, फिर तो ये काम चलेगा। और वो भी बाय जो है वो इंस्टीट्यूशनल होनी पड़ती है, यानी एक तो हम लोग पर्सनली इसमें बाय इन करें, एक ये है कि फिर ये अगर हम लोग पूरा मैनेजमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा तो फिर कोई आदमी जाए कोई आए वो उस रंग में रंग जाएगा। और फिर ये सीनियर मैनेजमेंट से फिर ये टीचर्स तक पहुँचाना होगा, और इस वक्त जो है वो टीचर्स का और का मिजाज तो यही है जो उन्होंने सारी दुनिया में सीखा है, वी आर हियर फॉर अ जॉब, हमें सैलरी मिलती है और उसके एवज हम कुछ खिदमात फराहम करते हैं तालीमी, तो दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो मेरे जहन में ये था कि यानी जो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जिसमें जो देखते हैं कि चार साल में कंप्लीट हो, ये नहीं है हमारे यहाँ जो है वो कंप्लीट के मानी कि बच्चा जो यहाँ से निकले वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो जॉब सीकर ना हो बल्कि वो जॉब क्रिएटर हो। तो जॉब सीकर जो है मोहताज है, अगर मार्केट कंडीशंस जो हैं वो सही हैं तो मिल जाएगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा, बट वी वॉन्ट के एट द एंड ऑफ आवर डे ही शुड बी रेडी टू स्टार्ट लिविंग। तो इसमें जो है वो जो एजुकेशन देना है वो इससे मुतासर होगा, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हो उसमें यूनिक फीचर ये हो कि वो सर्विस ओरिएंटेड हो। हमारे जो सारी पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कैपिटलिज्म का मकसद ही ये है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन रिसोर्स का ये काम होता है कि अपने आप को वो बेचता है पैसे की खातिर जो द लोएस्ट ऑफ द लो, यानी इस्लामी तरीके से ये सोचने की भी लायक नहीं है कि आदमी अपने आप को बेचे पैसे के खातिर, मगर दिस इज़ द थिंकिंग दैट वी जनरेट। तो हम अपने स्टूडेंट्स को बुलंद अज़म वाला बनाएंगे,
कि वो इंसानियत की खिदमत करने वाला बने ज़रूरी है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त मिसिंग इंग्रेडिएंट है फ्रॉम ऑल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और चूँकि हम उसको कॉपी करते हैं इसलिए हमारे से भी। और ये इस बहुत गहरी टॉपिक है जिसमें मैं सिर्फ इशारतन कहता हूँ कि एक किताब है जूली रूबिन, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न यूनिवर्सिटी, इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ मोरालिटी। ये हार्वर्ड की प्रोफेसर है, वहाँ MBA पढ़ाती है, और उसने इसको स्टडी किया और उसने कहा कि 1920s में 30s में आप कोई भी कॉलेज कैटलॉग उठा के देख लें अमरीका में, और उसने मिसालें दी, उन्होंने कहा कि उसके शुरू में आएगा कि आवर गोल इज़ टू क्रिएट गुड कैरेक्टर इन आवर स्टूडेंट्स एंड वी वांट टू बिल्ड लीडर्स, पीपल हु अंडरस्टैंड देयर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारे का सारा पर्सनैलिटी के बारे में। एजुकेशन वॉज अबाउट कैरेक्टर डिवेलपमेंट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो फ्रूई थी और ये असल था। मगर फिर ये पूरी किताब इस बारे में है, इस मौजू के बारे में कि ये कैसे, ये फिर आप 1960s में कोई भी किताब उठा के देख लें कहीं इसका कोई तस्करा ही नहीं मिलेगा। हम सिर्फ टेक्निकल स्किल सिखलाते हैं कि भाई बम कैसे बनाना है और मशीन कैसे चलानी है, और ये कि इंसानियत क्या है इसका कोई तस्करा ही नहीं। तो दिस वॉज अ ग्रेट लॉस, एसेंशियली ये कंक्लूजन, इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारे उसने यानी मिसाल दी है उसने कि येल के जो ब्राइटेस्ट एंड बेस्ट ग्रेजुएट्स थे, जो हमारे यानी द क्रीम ऑफ द क्रॉप, उन्होंने जाके वियतनाम वार में यानी विदाउट एनी कॉन्शियस जो है वो लाखों को कत्ल किया, और उनके उस पर वो नहीं हुआ, दिल पे कोई असर नहीं हुआ कि क्योंकि हमने इस चीज़ को निकाल ही दिया है अपने एजुकेशन से। तो ये उन्होंने निकाला, हम उनके दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर्स के हमारे अख़ुवत वाले, ये जो आप बात कर रहे थे कि हमारी मैनेजेरियल में शिकायत हुई, तो इसमें क्यों मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हुए, क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि उन लोग का किरदार नहीं था। और किरदार कैसे होता, हम PhD अकाउंटिंग ले आएंगे, वो भी उसको किरदार साजी उसकी की ही नहीं गया, तो रैंडम है शायद मिल जाए, की ही नहीं गया तो रैंडम है शायद मिल जाए शायद ना मिले, उसमें उसका कोई यानी वो उसकी बचपन में कैसे तरबियत थी और उसको, और मगर इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन टू बिल्ड कैरेक्टर। तो इसको कैसे करना है, ये एक भूली हुई वो है, अब उसको यानी नए सिरे से अदा करना होगा। तो ये अब ये यानी दीज आर द ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स जिसमें हमें सोचना है कि हम ये कैसा प्रोड्यूस, और यानी अगर हम सिर्फ इसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारे स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज किया जाए कि ये ईमानदार बच्चे हैं, कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, दैट वुड बी इनफ। मगर दिस इज टू हाई अ गोल मेरे नज़दीक, यानी इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, मगर हमको रखना चाहिए ज़रूर कि दिस इज़ आवर गोल, और इसको हम बात करेंगे, चलाएंगे टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं हो सकेगा, मगर दिस इज़ टू हाई अ गोल। मगर ये इसमें से छोटे ग्रुप, यानी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जॉब सीकर नहीं है सब एंटरप्रेन्योर, ये भी नहीं होगा, मगर जो है हमारे जो नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर जॉब सीकर, इवन लम्स, अच्छा हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव, तो मैंने इस इन सब चीज़ों को देखा और फिर अपने स्टूडेंट्स को देखा और प्रोग्राम को देखा, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम वायबल नहीं है, इसमें हम 3 साल इनका वक्त ज़ाया करते हैं, और यानी दिस ये बहुत दुख की बात है, मगर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सारे पाकिस्तान में 90% ऑफ व्हाट वी टीच इज़ कम्प्लीट गार्बेज, उसका सिर्फ एक काम है कि वो इम्तहान के सवालात का जवाब लिख सके, उसके बाद रियल वर्ल्ड में उसका कोई काम नहीं, उसकी कोई जॉब स्किल नहीं, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं। और ये मैं यानी अपने फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, और मैं ये बहुत यकीन और अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा मसला जो इन टेक्स्ट बुक्स में आया है जिससे इंसान को कुछ भी पता चला कि दुनिया में क्या होता है और पॉलिसी क्या लेनी चाहिए, हैं वो चीज़ें। और ये इनिशियली मैं जब आया था तो मैंने इसी ख्याल से आया था कि इनको मैं ये फेक इकोनॉमिक्स सिखलाऊंगा और रियल इकोनॉमिक्स सिखलाऊंगा, मगर ये बहुत मुश्किल काम मैंने असेस किया, मुश्किल इसलिए कि ये स्टूडेंट्स इसके लिए, अव्वल तो ये कि PhD लेवल का काम है, दूसरा ये कि इन जो काम उसके लिए करने की ज़रूरत होगी
उसके लिए इनको बहुत सारी इंग्लिश पढ़नी होगी, इनकी इंग्लिश स्किल इतनी नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल गोल है, फीजिबल नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको छोड़ो, कोई और प्रोग्राम। तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हम कर सकते हैं, और इसमें इनको हम लोग अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, मगर नॉट लम्स, वो जो जूनियरिटी बिजनेस स्कूल है ना वो सही है। हम देसी एमबीए बनाएंगे, और देसी एमबीए कोई नहीं कर बनाएंगे और देसी एमबीए कोई नहीं करा रहा है इस वक्त। जो लम्स है और जो आईबीए है, जो हमारे लीडिंग स्कूल्स हैं, वो आपके लिए एंटरप्रेन्योर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब सीकर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर पीपल हु आर ट्रेंड टू गेट जॉब्स इन द कॉरपोरेट सेक्टर। इसमें हो जाते हैं, यानी कोर्सेज होते हैं उनके एंटरप्रेन्योर, इक्का दुक्का उनके एंटरप्रेन्योर्स भी निकल आते हैं, मगर ज़्यादातर दीज आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन मल्टीनेशनल्स, और डॉलर में सैलरी होगी बहुत खुश हो जाएंगे। मगर हम लोग चाहते हैं कि देसी स्कूल ऑफ बिजनेस बनाएं, और इसका कोई पैरेलल नहीं है, पाकिस्तान पैरेलल नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल नहीं है। तो देसी स्कूल ऑफ बिजनेस में वो अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करेगा, और 2 आने का स्टार्ट करेगा 4 आने का स्टार्ट करेगा 10,000 रुपये से 20,000 रुपये से। नॉट लम्स में वो सिखलाते हैं कि आप मिलियन डॉलर बिजनेस चलाएं, तो वो उसके लिए फिर वो प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके जाते हैं बैंक्स के पास, उनको सेल करना, ये सारी चीज़ें उनको सेल करना, ये सारी चीज़ें उनको सिखलाई जाती हैं। मगर हम लोग ये डिफरेंट, और ये मॉडल जो है ये सिर्फ मेरे जहन में नहीं है, बल्कि ये शाहिद कुरैशी साहब हैं, ही हैज़ डिवेलप्ड दिस मॉडल इन आईबीए। वो कहते हैं कि मेरे पास नंगे पाँव आदमी आ जाए, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती हो, मैं उसको 6 महीने में सिखला दूंगा कि अपना सीनियरिटी स्कूल के आप पहुंच जाएं, और फिर जो आपके हाथ में है उसके लेके। और इनफैक्ट उन्होंने उन्हीं से, उन्हीं की प्रैक्टिस से, बल्कि वो कह रहे थे कि उन्होंने आपकी बुक्स को पावर पॉइंट भी बनाया है, और उससे वो उसूल निकाले हैं जो हमारे देसी स्कूल के हैं, और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट उन्हें कॉन्टेस्ट किया कि लम्स वाले ये सिखलाए, पॉइंट उन्हें कॉन्टेस्ट किया कि लम्स वाले ये सिखलाते हैं, हम कहते हैं उसका ऑपोजिट। तो यानी हर जगह पे इट्स अ डिफरेंट मॉडल, और उन्होंने चूँकि ये सक्सेसफुली ट्राई किया हुआ है, और इसके इनके बहुत सारे आउटपुट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको सीखा है और इसको चलाया है, तो ये हमारा बीबीए का प्रोग्राम यूनिक फीचर, इट विल हैव मेनी ऑफ दीज पार्ट, और इसमें कैरेक्टर की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ ये की जा सकती हैं। और मैंने कहा कि हम बीबीए लॉन्च करेंगे, उसका मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें, और ये बीएस इकोनॉमिक्स को तर्क कर देंगे कि दिस कैन नॉट बी वायबल। तो बीबीए में हम लोग एक तो एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम शाहिद कुरैशी से, और शाहिद कुरैशी ने बात की कि हमें कोई बंदा दो, तो उन्होंने, उनकी वाइफ हैं जो यहाँ रहती हैं, उनको ऑफर किया, उन्होंने मेरे 8 साल से हैं, शी नोज़ माई मॉडल इन एंड आउट, तो मैच माई मॉडल इन एंड आउट, तो मैं चाहता हूँ कि उनको हम लोग इमीजिएटली हायर कर लें, ताकि हम इसको प्रोग्राम, वो आएंगी यहाँ बुध के दिन हमें विजिट करने, उस वक्त हम लोग उनका इंटरव्यू ले सकते हैं कलेक्टिवली, और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बीबीए में मैं चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योरशिप हो, एक एग्री बिजनेस हो, कि ये रूरल ब्रैकेट हो, दो जगह है, ये भी एक यूनिक प्रोग्राम है, यानी पाकिस्तान में ज़्यादा सिखलाया नहीं जा रहा है, अवेलेबल मगर बहुत शाज़ नादिर है। और इसके अलावा हम अपना टूरिज़्म के फ़ायदा उठाते हुए कि ये हमारा, ये भी एक यूनिक प्रोग्राम है, इसके लोगों को हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी में भी एक स्पेशलाइजेशन दे दें। और इसके अलावा आईटी का स्कूल है, तो हम ई कॉमर्स और बहुत सारे आईटी रिलेटेड बिजनेस की फील्ड्स हैं वो भी हम, तो हमारे पास 4 स्पेशलाइजेशन हो जाएंगी, और मगर एक मेन फ्रेम होगा बीबीए का। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हों, क्योंकि छोटी यूनिवर्सिटी कर सकते कि ये 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हों, क्योंकि छोटी यूनिवर्सिटी अगर बहुत बड़ी हो जाए तो हो सकता है वी माइट ब्रेक इट अप, मगर इस वक्त तो एक ही प्रोग्राम, बैकबोन एक ही हो, और उसमें फिर हम स्पेशलाइजेशन ऑफर कर दें। और चूँकि स्पेशलाइजेशन जो हैं वो बाद में होंगे, यानी सेकेंड थर्ड में, हमने इसका भी यानी एक हमने वायबल स्ट्रेटजी निकाली है, जिससे ज़रिए से हम लोग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और स्ट्रेटजी ये है कि हम पंजाब से ऑलरेडी अफिलिएटेड हैं, तो उनका बीबीए प्रोग्राम हम हूबहू कॉपी करके स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी 1 साल तो बेसिक कोर्सेज होते हैं, उसमें हम अपना जो वो पढ़ाते हैं हम पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। आगे जाके स्पेशलाइजेशन आगे आएगा सेकंड थर्ड, उस वक्त तक मेरी उम्मीद है कि हमारा अपना डॉक्टर, ये मैं आपको बता दूँ, कल रात मेरी अचानक मुलाकात होगी, हाँ।